The central idea of the poem, a photograph. Here, the poetess Shirley Torjan. The central idea of this poem is a change or continuity. It means parivartan in the human beings and the sea. Sea is permanent. Human being is compared to the sea. So human being is changing. It is temporary. Understand? Now change or continuity. This poem is a tribute to her mother. ये कविता पोइटेस अपनी माँ के लिए एक श्रद्धांजलि है. Her mother was dead and she was very sad at her death. Her death made her speechless. So it is a tribute. The poem describes three stages in the passage of time. ये जो पोएम है ये तीन अवस्थाओं में है, स्टेजेस में है. फर्स्ट चाइल्ड सी हॉलीडे है ना, हैप्पी मोमेंट्स इन जस्ट लाइक चाइल्ड. सेकेंड मिडिल ईज वेन सी सा द फोटो आफ्टर 20 or 30 ईयर. लास्ट यू नो द आवर ऑफ डेथ. नाउ नेक्स्ट इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ वॉज द मदर ऑफ द पोइटेस. पहली अवस्था में जो फोटो है वो क्या प्रदर्श करती है, द मदर ऑफ पोइटेस स्टैंडिंग एट द ग्रेव. जो माँ है अपनी सहेलियों के साथ, सॉरी कजिन, अपनी बहनों के साथ जो है, कोई चचेरी बहनें थी उनके साथ खड़ी हुई है कहाँ, एट द बीच एंजॉयिंग हर हॉलीडे, अपनी इसी हॉलीडे का आनंद लेने के लिए कहाँ खड़ी हुई है, तट पर खड़ी है. विद हर टू गर्ल कजिन, मेरी बात आ गई, कल गर्ल कजिन फोटो वॉज टेकन एट दैट टाइम. हर एज वॉज अबाउट 12 ईयर्स, ओनली 12 ईयर्स. इट मीन दैट वॉज अ चाइल्ड. पहली अवस्था उसकी बचपन की है जो उस वक्त 12 वर्ष की थी. द सेकेंड स्टेज 20 or 30 ईयर्स. 20 or 30 ईयर्स मतलब अबाउट 42 ईयर्स ओल्ड. सी सा हर फोटो विद हर कजिन्स. दे हैड बीन ड्रेस्ड फॉर आउटिंग एंड गिविंग द फोटो एट दैट टाइम. ब्रेक वॉज आफ्टर 20 and 30 ईयर्स. द मदर हुड लाफ. आपको पता है कि यह फोटो देखी थी तो माँ फोटो को देखकर अपने अपने को उस उम्र में फोटो चेंज हुई. यही मैंने कहा चेंज और ब्यूटी भी. चेंज क्या हुआ, फिजिकली चेंज हुई है ना. इन हर चाइल्डहुड शी वाज स्मार्ट, शी वाज ब्यूटीफुल, बट इन द मिडिल एज, इन द ओल्ड एज आफ्टर यू नो डेथ, तो चेंजेस आया. मानव के जीवन में चेंजेस आता है. द चेंज कम्स इन द लाइफ ऑफ मैन, बट दैट सी इज परमानेंट. देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ थिंग्स. सी इज अ सिंबल ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स. सो द पोइटेस हियर कंपेयर द ह्यूमन बीइंग इज कंपेयर टू द नेचर ऑफ थिंग्स. सो द मेन पॉइंट चेंज और हियर मदर वुड लाफ एट दी उस तरीके पे माँ हंसती है. सी एंड कजिन्स वी आर ड्रेस्ड अप जिस कंडीशन में वो फोटो में जो वो अपने आप को ड्रेस किए थे, वस्त्र पहने हुए थे, वो बस 12 साल की उम्र में जो वस्त्र पहने थे वो फोटो में थे. अंडरस्टैंड, फोटो में वही तो वस्त्र होंगे जो फोटो खिंचाई थी वो वस्त्र पहन के. तो ऑन सीइंग दैट फोटो द मदर लाफ. यही बात आई कि द मदर हुड लाफ एट द बीच ये हर कजिन की ड्रेस जैसे कपड़े पहनने थे कब, फॉर द बीच
बीच हॉलीडे सी हॉलीडे समुद्र पर, मतलब अपनी छुट्टी गर्मियों की छुट्टी हो या जो भी हो, हॉलीडे बिताने के लिए जो बस पहने थे, आउटिंग के लिए बस पहने थे, यदि फॉर पिकनिक के लिए जो बस पहने थे, उन्हें दिक्कत भी पहुंचती है। इन द थर्ड स्टेज ये होगी आपका मिडिल एज। इन द थर्ड स्टेज में क्या होता था, कोइटस रिमेंबर द डेड मदर विद हैप्पी, बड़ी दुखी मन से भारी मन से कवित्री जो है याद करती है किसको, द डेड मदर मतलब हर मदर वाज डेड, सी हैड बीन डेड अबाउट, सी हैड बीन डेड About 12 years, understand? Because when her photo was taken, she was 12. So I think the same number of the years have been passed. Now here the poet says that the poet remembers the dead mother, अपनी मृतक माँ को बड़े भरे मन से याद करती है. The photograph revives a nostalgic पोइटेस, जो फोटो है जिसको देख रही है पोइटेस, वो पोइटेस देखती है, वो बार बार क्या पोइटेस है, वो फोटोग्राफ क्या रिमाइंड कराती है, वो रिवाइव क्या कराती है, वो पुनः जीवित क्या करती है, एक उदासीन और खिन भावना इन द पोइटेस, पोइटेस के अंदर खिन भावना उत्पन्न करती है, रिवाइव कराती है, पुनर्जीवित कराती है। इन दिस वे this is the central idea of the way of photography.